डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और जो वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट रहे, ऐसे लोग जब इस सरकार के साथ में है, और फिराद हकीम जैसे व्यक्ति कि जो वेस्ट बंगाल में एक एरिया को एक मिनिस्टर होते हुए स्वयं के मुख से मिनी पाकिस्तान की संज्ञा देता है, तो इस तरह के लोग जब इस सरकार के साथ में जुड़े हुए हैं, तो देन ये स्टेटमेंट जो ममता बनर्जी जी ने किया है उसके बारे में आश्चर्य नहीं लगता है। मगर मुझे लगता है कि इसी कारण से कि जो अत्याचार हिंदू समाज के ऊपर हो रहे हैं, अनेक अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुए, उनको प्रताड़ित किया गया है, अनेक जगह पर मुसलमानों के माध्यम से खुलेआम दंगे हो रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में इस तरह का स्टेटमेंट एक बहुत कठिनाई का विषय है। हम जानते हैं कि बंगाल की कितना नुकसान हुआ है। 1947 के आसपास देश के जीडीपी में वेस्ट बंगाल का जो सहभागिता थी, इट वाज समवेयर बिटवीन 20-24%, और आज जीडीपी में जो वेस्ट बंगाल की सहभागिता है वो केवल 3-4% रह गई है। तो यहाँ जो 34 वर्ष कम्युनिस्टों का शासन चला, कि जो भी हिंसाचार से परिपूर्ण था, विधानसभा का स्टेटमेंट है वेस्ट बंगाल का, इन 34 वर्षों में 28,000 पॉलिटिकल मर्डर्स हैव टेकन प्लेस।